ऋतिक एसआरके में जंग, अब नहीं टकराएंगे काबिल और रईस। जी हाँ, लंबे समय से शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल के बीच रिलीज डेट को लेकर चल रही जंग अब खत्म हो गई है। एक ओर जहाँ शाहरुख खान की फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल भी दर्शकों का दिल जीतना चाहेंगे। यूं तो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बात जब बॉक्स ऑफिस पर कमाई की आती है तो कहते हैं दोस्ती एक तरफ और बिजनेस एक तरफ रख दिया जाता है। एक लीडिंग न्यूज पोर्टल की माने तो रईस अब काबिल की रिलीज के एक हफ्ते बाद सिनेमा घरों में आएगी। खबर है कि काबिल के साथ 26 जनवरी 2017 को अपनी फिल्म रईस रिलीज करने के लिए अड़े शाहरुख खान और निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए अपनी फिल्म रईस की डेट को एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया है। यानी ये फिल्म अब 3 फरवरी को रिलीज होगी। शाहरुख खान ने रईस की डेट को आगे करने का फैसला रोशन के साथ टूटते रिश्तों को बचाने के लिए किया है। साथ ही दोनों ही फिल्मों का बिजनेस भी एक दूसरे से भी नहीं प्रभावित होगा। खबरों की माने तो रिलीज डेट को लेकर शाहरुख और रोशन के बीच कई बार लंबी मीटिंग्स हुई। पिछले दिनों तो शाहरुख और राकेश के बीच खूब डिस्कशन भी हुआ, लेकिन राकेश अपनी फिल्म की डेट को बदलने के लिए टस से मस नहीं हुए। इसके पीछे वजह थी, राकेश ने अपनी फिल्म के अनाउंसमेंट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट को भी शाहरुख की रईस से पहले ही फाइनल कर दिया था। काबिल एक अंधे लड़के की कहानी है जो एक साधारण मिमिक्री आर्टिस्ट है, फिल्म में सितारों की आवाज निकाल कर अपना गुजारा करता है और फिर उसकी जिंदगी में आते हैं कई सारे ट्विस्ट। फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी, जबकि शाहरुख खान की फिल्म रईस गुजरात के शराब माफिया की कहानी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।